आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी गाड़ियां कैसे पार होगी। नमस्कार जोहार, मैं पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं आईना प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरहीडी लोकसभा क्षेत्र और टुंडी विधानसभा क्षेत्र यानी गिरिडीह और धनबाद का जो बॉर्डर है पारसनाथ की तराई, वो तराई पे मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ का जो विकास दर है, जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो क्षेत्र का विकास दर है, वो यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या विकास। ये डुमरी विधानसभा नहीं है, ये याद रखिए कि ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, जो क्षेत्र के अंदर चंद्र प्रकाश चौधरी जी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पिछले दिन नॉमिनेशन हुआ था आजू जो अलायंस में, एनडीए का अलायंस, जो यशोदा देवी का नॉमिनेशन हुआ था डुमरी में, उस समय शिरकत किए थे आजू सुप्रीमो सुदेश महतो जी। उन्होंने बताए थे एक सवाल में, एक मीडिया के इंटरव्यू में बताए थे कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विकास बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि माननीय सुदेश महतो जी, श्रीमान सुदेश महतो जी, ये वही क्षेत्र है चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, ये वही टुंडी विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा का क्षेत्र है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए और बताइए, जो हमारे दर्शक हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये क्षेत्र दिखाता है कि ये विकास हुआ है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। वो अगर चाहते, सांसद अगर चाहते, तो ये रोड बन जाता, क्योंकि पीछे जो गांव है वो इतना सुदूरवर्तीय गांव है कि तो चांची का मार्केट से वो कनेक्ट हो जाता तो लोगों को एक सुविधा हो जाती। हालांकि रोड में आ रहे लोग क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं और आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। आप तस्वीरों में बने रहिए। ये पारसनाथ की तराई जो तोपचाची धनबाद एरिया और गिरिडीह जिला को जोड़ती है, ये रास्ता है पारसनाथ की तराई पे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये रास्ता को लेके आप क्या कहेंगे। देखिए कि गाड़ी तक चलना बहुत मुश्किल लगता है, और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये तकरीबन थोड़ा दूर नहीं है, लगभग 3-4 किलोमीटर ऐसा ही है। अगर ये रास्ता बन जाता तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ते हैं और जो धनबाद क्षेत्र में, कि हम लोग का मार्केट तो चांची एरिया में बहुत मुश्किल। देखिए गाड़ी नहीं चल पा रही है, चलना मुश्किल हो रहा है। और ये पारसनाथ की तराई वाला ये पहाड़, जो छोटी छोटी पहाड़े आपको नज़र आ रही है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पारसनाथ की तराई वाली पहाड़ है। और मैं आपको लिए चलता हूँ ये रोड में, कि ये रोड की स्थिति को आप देखिए और क्या कहेंगे इस विकास दर को, क्योंकि क्या ऐसा क्या वजह है जो यहाँ लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक रास्ता बन नहीं पाया है, क्या वजह हो सकता है। हालांकि मैं स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास भी किया तो बोला गिरिडीह तक तो रास्ता बन गया है, लेकिन धनबाद एरिया जो है वो अभी भी रुका हुआ है और वहाँ बन नहीं पाया है। तो ये हमें लगता है कि ये धनबाद क्षेत्र में पड़ता है, जो तस्वीरों के माध्यम से ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। रोड की स्थिति ये बयां करती है, यानी कि दो सवारी चलना बहुत मुश्किल है। और अगर हल्की बारिश हो जाए, ये तो बारिश की वजह से ये, लेकिन हल्की बारिश और हो जाए तो बाइक भी चलना यहाँ के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हमें लगता है कि आगे कोई गाड़ी जो है टूट गई है। देखिए कि ये रोड का ये स्थिति है कि ट्रैक्टर का ये हाल हो गया है कि एक चक्का इसका फेंका गया है। आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी गाड़ियाँ कैसे पार होगी। हालांकि ये रास्ता अगर बन जाता ना तो तोपचाची, पीरटाण, गिरिडीह, ये क्षेत्र जो मधुबन वगैरह है, धनबाद जाने के लिए काफ़ी शॉर्ट रास्ता है, काफ़ी दूरियां कम हो जाता और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट पैलेस बनता। और देखिए एक भाई और आ रहे हैं, वो किस स्थिति में आ रहे हैं, बहुत ही विकट परिस्थिति में, धीरे 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 धीरे, जूता वगैरह एकदम पूरा तो खोल ही दिए हैं। तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है
कि कितना दूर से आ रहे हैं आप भाई? कितना दूर से आ रहे हैं? मधुबन से आ रहे हैं। अच्छा, प्रत्येक दिन आते जाते हैं आप लोग हैं? प्रत्येक दिन नहीं आते आते हैं, लेकिन कभी आते हैं। कभी आते हैं। तो ये रास्ता किस वजह से नहीं बना होगा, पता है आपको? बहुत दिन से ऐसे ही है। ये कौन सा क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र है या धनबाद का? ये गिरिडीह क्षेत्र पड़ता है। गिरिडीह क्षेत्र पड़ता है? ये धनबाद क्षेत्र पड़ता है, यही बॉर्डर है। ये बॉर्डर है और ये धनबाद एरिया का क्षेत्र है। गिरिडीह तक बन गया है? हाँ, वहाँ तो गिरिडीह क्षेत्र वाला वो बन गया। बन गया है, यहाँ धनबाद क्षेत्र नहीं बना है? नहीं। क्या वजह हो सकता है ये पता है आप लोग को? नहीं, सरकार जाने। सही बात है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से अगर ये रास्ता अगर बन जाता तो ये लोकल क्षेत्र के लिए ना बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि धनबाद तोपचाची एरिया जो है ना वो एक मार्केट पैलेस है और स्थानीय लोगों को मार्केट करने में बहुत आसानी होती, जो आप स्पष्ट तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ता की क्या स्थिति है। ट्रैक्टर का चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बाइक तो अभी तो चल पा रहा है, लेकिन हल्की बारिश और हो जाए तो शायद चलना मुश्किल हो जाएगा। और इस पे आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चचा, आपका घर कहाँ है? घर केंदुआडी। केंदुआडी कौन सा प्रखंड? प्रखंड तोपचाची पड़ता है। तोपचाची प्रखंड में। तो ये क्षेत्र जो अभी रास्ता ही खराब है, ये तो धनबाद तोपचाची क्षेत्र का है? हाँ, ये धनबाद का। हाँ। अच्छा, क्या वजह है जो ये रास्ता नहीं बना है अभी तक? अब वो तो हम नहीं कह सकते हैं, मुकिल दूध पास हो गया है। हाँ, बंद कर हो जाता है, पता नहीं किससे होता है। ये विधानसभा कौन सा पड़ता है, डुमरी? नहीं, टुंडी विधानसभा है। और लोकसभा? गिरिडीह। वही क्या बोलते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी का क्षेत्र है ना? हाँ, सांसद। हाँ। अच्छा, तो ये चंद्र प्रकाश तो चौधरी जी का क्षेत्र है, सांसद जी का। तो ये रास्ता मतलब पास हुआ है लेकिन बन नहीं पा रहा है? नहीं पा रहा। तो आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो मार्केट के लिए अगर ये बन जाए तो मार्केट ये जो आगे जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए सुविधा हो सकता है? हो सकता है, पूरा हो जाए अगर ये बन जाए तो। हाँ।